1094 किलोमीटर दूर ऐसा गांव जहां 22 जनवरी को बनाया गया खास। पूरे गांव में उदयपुर जिले के सायरा तहसील के करदा गांव में 22 जनवरी को पूरे गांव के लोगों ने खास बना दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में गांव की तारीफ भी हो रही है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन था। वहीं गांव के लोगों ने भी निर्णय लिया कि इस दिन पूरे गांव में जश्न का माहौल होना चाहिए। गांव भले ही छोटा हो, जश्न भव्य होना चाहिए। कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तो रामानंद सागर की रामायण पूरे गांव को दिखाने का निर्णय हुआ। युवा साथी आ गया है तो बस स्टैंड को सजवा दिया गया। LED स्क्रीन लगवा कर गाँव के लोगों को रामायण दिखाने लगे। तभी गांव के बड़े बुजुर्ग भी इसमें रुचि दिखाई और दिल खोल कर दान देना प्रारंभ कर दिया। वही दानदाताओं ने अन्न का दान देकर शुरुआत की तो पूरे गांव को भोजन प्रसादी करवाई जाए, और किसी ने तेल दिया तो किसी ने आटा तो किसी ने चावल देकर प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे माहौल बन गया और कारवा सजता गया। महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। बच्चे पूरे वानर सेना के रूप में मैदान में कूद पड़े तो फिर क्या माहौल बना। ऐसा बना कि कोई कहने लगा, बाबर की बर्बरता में होना अंत जरूरी था, इसलिए तो इस सत्ता में खोना संत जरूरी था। मंदिर गिरना मंदिर बनना, मंदिर गिरना मंदिर बनना, यह सब प्रभु राम की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादित रहना यह सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रहकर ही मंदिर को बनाया है। निराधार हुए सब तर्क इनके, तभी तो राम घर आए हैं। हमारे करदा गांव को भी आज अयोध्या जैसे सजाया है। बड़े बस स्टैंड में भगवा ध्वज जो लगाया है, क्यों न मनाए इसको दिवाली की तरह। अरे मनाओ दिवाली, हमारे राम घर आए। वही धीरे धीरे समय निकट आया और अब बारी थी कार्य करने की। 21 जनवरी को भजन संध्या के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गांव के प्रतिभावान बच्चों ने समा बांध दिया। वहीं 22 जनवरी को सुबह भव्य शोभा यात्रा निकालकर सर्व समाज की भोजन प्रसादी का आयोजन हुआ। दोपहर में करीब 3500 लोगों ने भोजन प्रसाद प्राप्त किया और इस दौरान गांव के सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। झोपड़ी के
जी।